ईश्वर की कृपा और आप लोग का साथ और शराब पीने की जरूरत महसूस नहीं हुई। दोस्तों ये जो था कि ईश्वर की कृपा और आप लोग का साथ, ये मेरे मुंह में से ये शब्द निकलने के लिए कई साल लग गए, ये में आने के बाद भी। ये में पहुंच गया था, मुझे बताया गया था कि भैया ये का मैसेज सोशल ड्रिंकर को नहीं मिलता है। मीटिंग में पहुंच गया था, मीटिंग में पहुंचा तो नहीं था, रादर फेंका गया था एक जगह पे, धरती था, वैताग गया था, उब गया था। सात व्यसन मुक्ति केंद्र, दो पागल खाने, समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। और मैं भी यहाँ पे इन कमरों के अंदर यही गलत फहमी लेके आया था कि बहुत शराब मेरा प्रॉब्लम है। यहाँ पे मीटिंग में आ रहा था, ठीक ठाक चल रहा था, 11 महीने हो गए थे, शराब से दूर रखा गया था। मेरा स्पॉन्सर मुझे बार बार बोलता था, मुर्तजा तू शराब से दूर रखा गया है। और मेरे दिमाग में 11 महीने के बाद ये विचार आया कि शराब तो मैंने छोड़ दी है, एक थोड़ा सा ट्राई करने में क्या हरकत। और उसके बाद अगले 3 साल तक अंदर बाहर फुटबॉल के जैसे हो गया था। और इन कमरों में तो सिर्फ एक ही चीज अच्छी हुई, और वो पन आज मैं पूरी क्रेडिट मैंने लेता हूँ, आज वो परमेश्वर को देता हूँ। कहीं ना कहीं इतनी इनायत थी कि भैया कुछ भी कर लेकिन मीटिंग में जाना चाहोगे। जिस दिन पिया हुआ रहता था उस दिन मीटिंग से गायब हो जाता था। लोगों को मेरा पैटर्न समझ में आ गया था, ये 3 दिन गायब हो गया है, मतलब 3 दिन इसने धमाल किया है। मैं काफी नसीब वाला था कि मेरे जिंदगी में मैंने एक चीज अगर आप लोग की सुनी थी, ये में मुझे बोला गया था कि स्पॉन्सर लेने के पीछे मेरा हेतु पूरा गलत ही था। एक फोटो फ्रेम के जैसे लिया था लोगों को बताने के लिए कि मेरे पास भी स्पॉन्सर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं वो आदमी की कभी बात ही नहीं सुनता था। ये मैं आने के बाद भी कई सालों तक खुद का ही चलाते बैठा। जबकि पहले मीटिंग में मुझे बोला गया था लर्न टू लिसन एंड लिसन टू लर्न। आज का जो टॉपिक है अहंकार, प्राइड, घमंड, आज कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि जब मैं फेलोशिप में आया था तो इन सभी चीजों से भरा हुआ था। इतना भरा हुआ था कि मुझे खुद के आगे कुछ दिखता ही नहीं था। जब पहली बार बिग बुक को पढ़ना चालू किया था और वहां पे एक शब्द लिखा गया था कि आत्मा को लगी हुई बीमारी है, समझ में नहीं आया था। और ना ही किसी से पूछा था, वहां पर तो मेरा अहंकार ही मेरा आ रहा था। मैं 7 साल शराब पिया था ये आने के पहले, अगले 4 साल ये आने के बाद मैंने खुद के हाथों से बर्बाद कर दी है, क्योंकि मैं किसी की सुनता ही नहीं था, मुझे मुझसे खुद से शाना कोई दिखता ही नहीं था। यहाँ पे स्पॉन्सर तो ले लिया था, मेरा पहला कॉन्टेक्ट वो शब्द के साथ, अहंकार के साथ, प्राइड के साथ, ईगो के साथ तब आया जब मेरे स्पॉन्सर ने मुझे एक दिन बैठे बैठे बोला कि मुर्तजा तुझे मालूम पर नहीं है लेकिन तेरा अहंकार तेरी जिंदगी चला रहा है। बुरा लगा था मेरे को, मुझे बहुत बुरा लगा था। वो आदमी ने एक और चीज मुझे बोली थी कि अपेक्षा मत रख। बोला अपेक्षा मत रख, उसे बोला नहीं तू अगर अपेक्षा रखेगा और अपेक्षा भंग होगी तो तेरे अहंकार को ठेस पहुंचने वाली है और तू दुखी होने वाला है। तेरी जो सेरेनिटी है, जो मन शांति है, जिसके पीछे तुम कमरों के अंदर आया, चाहिए तुझे तो अपेक्षा कम कर। और ये सब चीज, सिंपल सिंपल चीज मेरे भेजे में जाने को तैयार नहीं थी। ये मैं आने के बाद मैंने लगभग 4 साल बिता दिए सिर्फ तुलना करने में। लोग यहाँ पे बोलते थे कि आमचे अनुभव ऐकून शिका नहीं तर घेऊन शिका। मैं वो पागल हूँ जो लेख उनका अनुभव सुन के नहीं सीखा, अनुभव लेने को निकल पड़ा। स्टार्टिंग के दिनों में मुझे बहुत दिक्कत होती थी अपने मुंह खोलने के लिए। मुझे याद है कि आज भी पहली बार जब मैंने मीटिंग में बैठा था और मुंह खोला था कि मेरा नाम मुर्तजा और मैं एक शराबी हूँ, वो शराबी शब्द मुंह से निकलने को तैयार नहीं था। मुश्किल हो रही थी, वो निकल ही नहीं रहा था। कहीं ना कहीं ये मैं आया, यहाँ पे आते गया टिका, लेकिन मेरा अहंकार कहीं पे अपन जाने को तैयार नहीं था। मुझे लगता था इस फेलोशिप में आने के बाद काफी समय तक मुझे ऐसा ही लग रहा था कि आई एम डिफरेंट, मैं इनके जैसा नहीं हूँ, मैं इनसे हटके हूँ। काफी लंबा समय लग गया दोस्तों समझने के लिए कि बाबा तू हटके बिटके नहीं है, तू हटेली कैसे। वो रॉक बॉटम की यहाँ पे बात होती थी
कि तूने रॉक बॉटम अभी तक देखा नहीं और तू खोदना खोदना बंद कर तो कितना खोदते बैठेगा, कितना नीचे जाना चाहता है तू। लेकिन मैं किसी की सुनने की मनस्थिति में था ही नहीं, सुनना ही नहीं चाहता था। मुझे लगता था कि मैं भारी और ये सब पागल लोग हैं, मैं इनको सिखाऊंगा। मुझे स्टार्टिंग के दिनों के आज भी याद है कि वो शेयरिंग करता था, इंप्रेशन मारने के लिए करता था। फाइनली एक दिन ऐसी नौबत आ गई कि एक ओल्ड टाइमर आया और उसने मेरे को साइड पे लिया। उसने बोला, मुर्तजा जरा जरा तेरे साथ 2 मिनट बात करने का है। और उसने बोला मेरे को कि मुर्तजा तू क्या कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करियर बनाने को आया है या यहाँ पे स्टार स्पीकर बनने को आया है? तेरे स्टार यहाँ पे बन के कोई फायदा नहीं होने वाला है, तुझे चमकना है ना तो बाहर की दुनिया में चमक। वी विल बी प्राउड ऑफ यू। कहीं ना कहीं जिस दिन वो वाक्य सुना था, कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट आया था मेरी जिंदगी के अंदर। मेरे स्पॉन्सर मुझे बोल बोल के बैठा गए थे कि मुर्तजा तेरा अहंकार तेरी जिंदगी चला रहा है, और मुझे लग रहा था ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरे जैसा नम्र आदमी कोई नहीं है। हकीकत तो ये थी कि नम्रता किस चीज को बोलते हैं, मुझे उससे कोई लेना देना ही नहीं था, मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। मुझे ये लग रहा था कि अहंकार प्राइड, बचपन से इंग्लिश पिक्चर देखते आया था, वो काउबॉय के पिक्चर, अलग अलग एक्शन फिल्म, और मुझे लगता था कि अहंकार एक ऐसी चीज है जो अच्छी है, मेरे में होनी चाहिए। आई वॉन्ट टू वॉक टॉल विथ प्राइड। लेकिन जिस दिन डिक्शनरी के अंदर उसका मीनिंग देखा, जब डिक्शनरी खोला था, मेरे स्पॉन्सर ने एक आदत लगा दी थी कि अगर तुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है तो तू तेरी कल्पना से उसको लेने की कोशिश मत कर, डिक्शनरी खोल के देख ले कि उसका मीनिंग क्या है। और वहां पे पहली बार जिंदगी में पढ़ा था कि प्राइड मतलब एन ओवर एग्जैजरेटेड ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ, खुद के बारे में एक बहुत ही अलग किस्म की सोच की मैं कितना भारी हूँ। पहली बार वहां पे एहसास हुआ कि भैया मेरा अहंकार ही है जो मुझे इन कमरों में लेके आया। इन कमरों में आने के बाद भी मुझे कई समय तक ऐसा लग रहा था कि मैं इनको सिखाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, मैं बहुत ही ज्ञानी हूँ, मैं बहुत ही बुद्धिशाली हूँ। इन कमरों में आते रहा और एक दिन दिमाग में कहीं ना कहीं बत्ती फिल गई कि भैया तू इतना बुद्धिशाली है, तू इतना इंटेलेक्चुअल है, इतना इंटेलिजेंट है, तो फिर तू इन कमरों में कैसे क्या पहुंच गया। मुझे उपदेश देना सलाह देना बहुत पसंद था और ए का प्रोग्राम पूरा विपरीत ही था, मुझे प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं था। दोस्तों मेरे स्पॉन्सर हमेशा मुझे बोलते थे कि तुझे नम्रता तेरी जिंदगी में लानी पड़ेगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कनेक्शन क्या है ये दोनों चीज का। मैं इस प्रोग्राम के बिल्कुल विरुद्ध था, मुझे कोई लेना देना नहीं था इस चीज से, मैं शराब से दूर था उतना काफी था। लेकिन मेरा स्पॉन्सर मुझे बार बार एक चीज मेरे भेजे के अंदर फिट करता था कि मुर्तजा क्या तू खुश है क्या, आर यू हैप्पी जॉयस एंड फ्री। जब पहली बार मैंने व्यक्ति से पूछा था कि आप मेरे स्पॉन्सर बनेंगे, उनसे मेरा सबसे पहला सवाल पूछा था कि तुझे क्या पसंद आया, आई मीन तू क्यों मुझे पूछता है। और मैंने उसको बोला था कि आपके चेहरे पर जो खुशी दिख रही है ना, मुझे वो चाहिए। और उन्होंने मुझे पूछा था कि आर यू हैप्पी जॉयस एंड फ्री, क्या तू सुखी समाधानी है क्या? और मैंने बोला था ईमानदारी से कि नहीं, मैं शराब से तो दूर हूँ लेकिन पूरा निराशा में हूँ, पूरा डिप्रेशन में हूँ, सब कुछ मेरे जैसा होना चाहिए उसके उल्टा ही हो रहा है। घर में शांति नाम की चीज नहीं है लेकिन सन्नाटा 100% भरा पड़ा है। स्थिति ऐसी हो गई थी कि शराब से दूर था और मेरे मम्मी डैडी के साथ मेरी बातचीत बिल्कुल प्रैक्टिकली बंद थी, एक दो शब्दों में बात होती थी। और यहाँ तक कि एक बार एक इंसिडेंट हो गया था कि मैं जब ए में आ रहा था और एक मैंने मेरे पिताजी को पूछा कि आपको देखना नहीं क्या कि मैं कापे जाता हूँ? उन्होंने बोले नहीं ठीक है, तू जाते जा रहा है ठीक है ना, वी आर ओके विथ इट, तू जा उधर। मैं बोला नहीं नहीं आप कैसे हो, आप मेरे साथ आओ, आप देखो हमारी मीटिंग में क्या होता है। यहाँ पे जो भी मेंबर लोग बोल रहे थे मैं उसका सब विपरीत ही कर रहा था, उसका सब उल्टा ही कर रहा था, मैं खुद की चलाते बैठा था क्योंकि अहंकार और घमंड पूरा भरा हुआ था मेरे अंदर। उस दिन मेरे पिताजी को मैं मीटिंग में लेके गया, उस दिन एक स्पीकर मीटिंग थी और मेरे फादर उस मीटिंग में आए थे और बैठे थे। वो स्पीकर का शेयरिंग हो गया, सब कुछ हो गया और वहां से निकलने के टाइम पे मैंने मेरे पिताजी को पूछा था कि कैसा लगा आपको मीटिंग। उन्होंने मेरे को एक वाक्य में उसका जवाब दिए थे जो आज भी मुझे अच्छे से याद है, तो हम लोग तुझे क्या कह रहे थे? उस चीज का मेरे पास कोई आंसर नहीं था। ये मैं आते गया, बार बार रिलैक्स होते गया, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मैं ये कर सकता हूँ। और ए की पहली पायरी
वहां पे क्लियर कट लिखा है कि भैया ये मैं का प्रोग्राम नहीं है, ये हम का प्रोग्राम है। मैं अकेला शरण से दूर नहीं रह सकता हूँ, मुझे आप लोग की मदद लेनी होगी, आप लोग की मदद के सिवा मैं यहाँ पे टिक नहीं सकता हूँ। लेकिन ये जो बेसिक बेसिक चीजें थी मेरे दिमाग के अंदर जा ही नहीं रही थी। मेरे स्पॉन्सर ने बोला कि तुझे नम्रता लानी होगी, नम्रता लाए सिवाय तू शरफ से दूर रह नहीं सकेगा। और मुझे लग रहा था कि मेरे अंदर तो कूट कूट के नम्रता भरी हुई है। मुझे बताया गया कि यही तेरा अहंकार है, दिस इज योर ईगो, कि तुझे लग रहा है कि जो तू है नहीं, तो हमेशा खुद के बारे में सोचता है। मेरे को हमेशा एक चीज सुनने को आती थी कि तू सारा बकरी के जैसा है, मैं करता रहता है दिन भर। कभी किसी और के बारे में सोचा है क्या? नहीं दोस्तों, उसका हकीकत में मेरा आंसर आज है कि नहीं, मैं हकीकत में किसी के बारे में सोचा ही नहीं था। मैं हमेशा खुद की ही चलाता था, फिर भले वो पिक्चर रन दो या तो होटल में खाना खाने के पुरता रन दो। अगर कहीं तो घूमने पर जाना है तो सब कुछ मैं डिसाइड करूंगा। दूसरों को मेरी जिंदगी में मैं कंसिडर ही नहीं किया कभी। खुद तो बहुत ही सेंसिटिव था, खुद तो बहुत ही जल्दी से बुरा लग जाता था, लेकिन जहाँ पे दूसरों की जरूरत है उसके बारे में कभी सोचता ही नहीं था। और इस गलतफहमी से भरा हुआ था कि भैया मेरे जैसा नम्र आदमी कोई नहीं है। मैं जब यही में आया था और पहले 11 महीने रुका हुआ था, शरफ से दूर था, पहली मीटिंग से शरफ से दूर था। व्यसन मुक्ति केंद्र में भर्ती था, वहां से मीटिंग में भेजा जा रहा था। मीटिंग में आ रहा था, 6 महीने हो गए थे, जिंदगी में पहली बार 6 महीने शराब रुकी हुई थी। उस व्यसन मुक्ति केंद्र में मेरे पिताजी ने मुझे एडमिट किए थे 1 महीने के पुरता, और वो 1 महीना मुझे मिलने नहीं आए थे। उसका खुन्नस पकड़ के बैठ गया था। आज समझ में आ रहा है कि वो खुन्नस भी मेरे अहंकार की वजह से ही थी। मेरे पिताजी जब 1 महीने के बाद आए थे और मैंने उनको पूछा था कि क्या है, मुझे तो यहाँ पे छोड़ के चले गए थे, तो लोग आए पर नहीं देखने के लिए, बाकी सबके घर वाले फोन करते रहते, ये करते रहते, उन्होंने तो कुछ ही नहीं किया। और उन्होंने मेरे को बोला था कि मेरे को ये लोग नहीं बोले थे कि आप इनको फोन मत करो, कुछ मत करो, हम इसका अहंकार तोड़ना चाहते हैं। अगर कोई रहता, कोई सेंसिबल बंदा रहता, कोई शाना बंदा रहता, तो आकर वो कुछ सीख लेता था उसमें से। लेकिन मैंने उसका बदला कुछ इस तरह से लिया कि अभी एक काम करो, ये 3 महीने का कोर्स है, 90 दिन बोला जाता है। और वो मेरे को बोल रहे थे बैग पैक करो चल घर पे। मैं बोल रहा नहीं, मैं 90 दिन कंप्लीट करके आऊंगा। रुका बात है, जबरदस्ती करूंगा। उसके बाद 3 महीने और जबरदस्ती के पढ़ा के लिया, आउट पेशेंट करके, कि दिन भर में यहाँ पे रियाद में पड़ा रहूंगा और रात को फिर सोने के फिर घर पे जाऊंगा। मेरे 6 महीने हो गए थे और रात को 12 बजे मैं सबको मैसेज और भेजते बैठा था, SMS भेजते बैठा था कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरे को 6 महीने हो गए। और अगले दिन सवेरे जब मैं वहां पे उस जगह पे पहुंचा था, तो वहां पे जो थे उस जगह के जो ओनर थे, उसने मेरे को देख के पूछा कि 6 महीने हो गए तेरे को? मैं बोला यस 6 महीने हो गए शराब से दूर। गर्व पूरा भर गया था, ऐसा लग रहा था कि मैंने मेहरबानी किया है इनके ऊपर शख्स को शराब छोड़ के। और वो आदमी को मैंने पूछा था कि मैं क्या लाऊं, मैं पेड़ा लेके आऊं या चॉकलेट लेके आऊं कि क्या लेके आऊं, मुझे कुछ तो बांटना है। उसने मेरे को एक ही सवाल पूछा और वो था कि किसके ऊपर मेहरबानी किया। दोस्तों ये मैं 11 महीने हो गए थे, 11 महीने से आ रहा था। बाहर के समाज में लोगों ने बोले नहीं क्या? सबने बोले, मेरे घर वाले तो बोल ही रहे थे कि तुझे शराब का प्रॉब्लम हो गया, तू शराबी बन चुका है। मेरे दोस्त लोग बोल रहे थे, समाज में मेरे जितने पहचान वाले लोग थे वो लोग सब बोल रहे थे, मृत्यु का प्रॉब्लम हो गया है, तू थोड़ा पी यार, तू जिस तरह से पीता है वो गड़बड़ है, इतना मत पी। लेकिन तब मुझे मालूम नहीं था कि एग्जैक्टली मेरे साथ हो क्या रहा है। पूरी दुनिया मेरे को बोल रही थी लेकिन मैं सुनता ही नहीं था। मुझे लगता था कि मैं सही हूँ और पूरी दुनिया गलत है। मैं हमेशा ये समर्थन देने में जुटा हुआ रहता कि 5वें पैक के बाद लफड़ा हुआ, 6ठे पैक के बाद लफड़ा हुआ। यहाँ पे इन कमरों में पहली बार सुना कि ये समर्थन की बीमारी है। मैं जस्टिफाई करता हूँ कि मैं कैसा सही हूँ, मैं ब्लेमिंग करते रहता हूँ, दूसरों को दोष देते रहता हूँ, मैं समर्थन करते रहता हूँ। ये इस बीमारी का हिस्सा है जो मुझे तब तक समझा ही नहीं था। ये मैं तो आ रहा था लेकिन स्पॉन्सर की सुन ही नहीं रहा था। स्पॉन्सर लिया था फोटो फ्रेम के जैसे था, बस उतना सा। अपने से शाना तो कोई रह ही नहीं सकता, मैं राजा बाकी सब प्रजा, यही मेरा बर्ताव था। और ये मैं आने के बाद भी मैं सिर खुजाते बैठा था कि भैया
मैं रुक क्यों नहीं पा रहा हूँ, बार बार शराब हाथ में आ रही है। और मेरे को बोला गया था कि तुझे नम्रता की जरूरत है, तेरे को नम्रता लानी पड़ेगी अपनी जिंदगी में। मेरे को पूछा गया था कि एक बात बोल, तू इस परिवार में पैदा हुआ है, तू गोरा है, तू आदमी है, इसके लिए तेरा कंट्रीब्यूशन क्या है, तेरे में आधार नाम की चीज है क्या? और जब मैंने ईमानदारी से देखना चालू किया कि यस आई एम ग्रेटफुल, तो नो उसका क्लियर कट जवाब मुझे दिख रहा था कि मैं आभारी था ही नहीं, कृतज्ञता क्या रहती है मुझे मालूम ही नहीं था। मैं जिंदगी में इस तरह से चल रहा था जैसे कि हर एक चीज मेरी जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरा जन्म सिद्ध हक है इसके ऊपर। मुझे लग रहा था कि अहंकार होना चाहिए, प्राइड इज अ गुड थिंग टू हैव। लेकिन जब मैंने उन लोगों को देखा जिनके साथ मेरा जिंदगी में पाला पड़ा था, काफी मशहूर हस्तियां थी, काफी बड़ी हस्तियां थी, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, पूरे इंडिया के लेवल पे जाने जाते हैं, और एक दो बार मैं उनको मिल चुका था पर्सनली, और वो आदमी के बारे में मुझे एक ही चीज उठ के आई थी कि भैया ये इतना पावरफुल आदमी रह के भी इतनी नम्रता है उसके अंदर, जो मेरे अंदर, मुझे उसका मतलब ही नहीं मालूम था, उसका मीनिंग नहीं मालूम था। काफी साल बर्बाद कर दिए ये सोचने में कि मैं अलग हूँ, आई एम डिफरेंट। मुझे नम्रता का एक चीज यहाँ सुनने को मिला था जो कहीं ना कहीं भेजे में फिट हो गई, कि नम्रता वो क्वालिटी है, ह्यूमिलिटी इज एक्सचेंज क्वालिटी, द मिनट आई थिंक आई हैव गॉट इट आई हैव लॉस्ट इट। नम्रता वो प्राणी है जिस क्षण में मुझे लगता है कि भैया मेरे अंदर आ गई है, उसी क्षण में मैंने उसको हकीकत में खो दिया है। यहाँ पे एक चीज मेरे को बोला गया था कि भगवान, मेरा अहंकार इतना था कि मैं भगवान में मानता नहीं था, मेरा पंगा हो गया था उसके साथ। बचपन में एक लव अफेयर था जो मेरे हिसाब से हुआ नहीं था, मैं चाहता था कि हमारी शादी हो जाए, और उस दिन से मैंने भगवान से 36 का आंकड़ा ले लिया था। इतना कूट कूट के भरा हुआ था कि जब मेरे फैमिली में मेरे दोस्तों मेरे को बोलते थे, अरे मुर्तजा प्रार्थना कर, अरे भगवान के ऊपर छोड़, भगवान देख लेगा, मेरा फट करके उनको जवाब रहता था कि तेरे परमेश्वर की मुझे गरज नहीं है, यू आर गॉड, आई डू नॉट नीड। हमारे बिग बुक के अंदर जिक्र है कि मैं वो प्राणी था जो खुद शो को डायरेक्ट भी करना चाहता था, उसमें एक्टिंग करना चाहता था, उसका स्क्रिप्ट राइटर भी नहीं था। मुझे याद है कि मेरे पिताजी के साथ एक बार मैं बैठा हुआ था, उस व्यसन मुक्ति केंद्र में एडमिट था, और वो मिलने को जब आए थे तो उन्होंने मेरे को बोला था कि तुझे दिख रहा है कि तू कहाँ पे पहुंच गया है। अभी हमारे एक भाई शेयर कर रहे थे इसके पहले कि वो चेस के कंपटीशन नेशनल लेवल पे, तो मैंने मेरे पिताजी को फट करके जवाब दिया था कि अरे तुम भूल रहे हो, मैंने राष्ट्रपति पदक मिला है, मेरे को ये मिला है, मेरे को अमुक मिला है, तमुक मिला है। और मेरे पिताजी ने मेरे को एक ही वाक्य बोला था, या तो वो जो दूसरा बंदा मेरे साथ बैठा हुआ था उसने बोला, तेरे पिताजी ने तेरे को अभी तेरा फाउंडेशन करवा दिया है, ये एक ही वाक्य के अंदर। मेरे फादर ने बोला, यस तू था, कोई मना नहीं कर रहा, तू था था था, लेकिन तू था, आज क्या है? और वो जो हकीकत थी वो मुझे दिख ही नहीं रही थी, और उसका एकमात्र वजह था मेरा अहंकार। मैं व्यसन मुक्ति केंद्र के अंदर बैठा हूँ, मेरे पिताजी मुझे एक महीने के बाद मिलने आए ले, और वहां पे भी मैं खुद की चला के बैठा हूँ। काफी लोगों ने बोले थे तू तू इतनी जल्दी सुधरने वालों में से नहीं है, तुझे काफी गिरना पड़ेगा, तुझे वर्ल्ड टूर पे जाना पड़ेगा। तभी मुझे मजाक लग रहा था वो लोग का। आज 100% जब बोलता हूँ, आज जब मैं शेयरिंग शुरू करने के टाइम पे जब बोलता हूँ कि ईश्वर की कृपा, आज शराब से दूर हूँ, आज कहीं ना कहीं उस चीज को मानता हूँ, मैंने खुद की चला के देख लिया दोस्तों, कुछ नहीं हुआ, खुद का बैंड भी बजाता गया। मुझे काफी टाइम तक ये पहला जो यहाँ पे स्लोगन मैंने सुना था, सरेंडर टू विन, मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा था कि हार मानने में जीत कैसे हो सकती है। मुझे आज भी याद है कि मेरे स्पॉन्सर के साथ एक दिन मैं बैठा हुआ था, और वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, उन्होंने मुझे पूछा था कि मेरे तो तू मानता है कि तू शरारत के ऊपर हद बोले। मैं बोला यस है, शराब के ऊपर हद बोली। उसने बोला तेरा जीवन अस्त व्यस्त है। बोला बिल्कुल नहीं, वो तो परफेक्टली मैनेज कर रहा हूँ। अरे तू तेरा शराब नहीं मैनेज कर पाया, तू कुछ नहीं मैनेज कर पाया, तू इन कमरों के अंदर पहुंच गया, और अभी तक तुझे लग रहा है कि तू तेरी जिंदगी मैनेज कर सकता है।
मुझे हमेशा से लगता था, मैंने बोल तो दिया था, बोल वचन तो कर रहा था कि मैं शराब के ऊपर हद बोलू, लेकिन कहीं ना कहीं दिल से स्वीकारा नहीं था। गुरु बोला गया कि देख तू अभी शराब से डर के मारे तू दूर है, क्योंकि तुझे डर है कि जब भी तू पिएगा तो तू कहीं ना किधर पहुंच जाएगा। तू इस चीज को समझने के लिए तू ये तेरे दिमाग में से निकाल कि तू इस चीज के सामने हतबल है। तू ऐसा सोच कि ये चीज तेरे से ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि उस चीज के अंदर वो ताकत है कि एक बार वो मेरे अंदर गई फिर मेरा बंदर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और वो हकीकत थी दोस्तों, वो हकीकत थी, मैंने देख लिया है मेरी जिंदगी में। मेरे स्पॉन्सर जब बोल रहे थे कि तू हमेशा दिन भर मैं ही करते रहता है, कि कितना स्वार्थी था, कितना आत्म केंद्रित था, मुझे मेरे आगे कोई दिखता ही नहीं था। भले वो पिक्चर में हम लोग गए रहते हैं, कई एक बार ऐसा हो गया था कि मेरी गर्लफ्रेंड थी, बीवी तो नहीं थी उस जमाने में, और जबरदस्ती का मेरे साथ पिक्चर में आ गई थी। और वहां पे बैठने के बाद उसने मेरे एक बार पूछी थी कि यार एटलीस्ट कम से कम वो पूछा तो कर कि कौन सा पिक्चर देखने का है। मैं जरूरत ही नहीं समझता था कि किसी और की ओपिनियन मैटर करती है, मुझे लगता ही नहीं था। और जब इन कमरों के अंदर आया था तब इतना तो एहसास हो गया था दोस्तों, यहाँ पे जब फेलोशिप में बाकी के लोगों को देखता था जो पुराने मेंबर्स थे, कि भाई इसके चेहरे पे हंसी है यार, ये लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, दूसरे से खुश है, ये लोग के पास कुछ तो भी है जो मेरे पास नहीं है और मुझे चाहिए वो चीज। मैं शराब से तो दूर था लेकिन बहुत ही बेकार कंडीशन में था, खुशी नाम की चीज मेरी जिंदगी में थी नहीं। और यहाँ पे क्लियर कट बोला जा रहा था कि तेरे आत्मा को लगी हुई बीमारी है, और यहाँ पे मुझे बोला गया था कि इसका सॉल्यूशन है, यहाँ पे एकमात्र सॉल्यूशन की बात होती है, और 12 कदम और उसके साथ साथ 12 रूढ़ी। मुझे यहाँ पे ईगो का शब्द बताया गया है कि एजिंग ग्रोथ आउट, भगवान को अपनी जिंदगी में से निकाल के बाहर करना। और मुझे हमेशा लग रहा था कि मैं मैनेज कर लूंगा, और मैं मैनेज करते करते मैं किधर पहुंच गया हूँ। जब वो हकीकत में देखना चालू किया, मुझे बोला गया था कि आध्यात्मिक तौर पे तो शून्य हो चुका है, आध्यात्मिक उथल पुथल, आध्यात्मिक बैंक्रप्सी। मुझे स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया, मुझे लग रहा था कि एक देवड़ा कौन है, मैं 4 साल यहाँ पे बर्बाद किया हूँ तुलना करने के चक्कर में, कि देवड़ा कौन है जो हर्बल टी पी रहा है, देसी दारू पी रहा है, रस्ते पे गिर रहा है, मैं तो इधर उधर गिरा नहीं। लेकिन जो सबसे बेसिक चीज थी कि भैया तू लोगों के नजरों से गिर चुका है, वो तुझे दिख ही नहीं रहा है, और वो दिखने का एकमात्र वजह थे कि मुझे इंपायरियों से कोई लेना देना नहीं था। मैं इस प्रोग्राम के ऊपर जब फाइनली इंपायरियों के ऊपर काम करना चालू किया दोस्तों, तो मैंने मजबूरी में चालू किया था। मैं खुशी से नहीं आया था कि मुझे शराब छोड़नी है, मैं ना ही खुशी से नाचते हुए आया था कि जिन लोगों को दुख दिया है उनसे मेरे को अमेंड्स करने हैं। मुझे लग रहा था अमेंड मतलब सिर्फ सॉरी बोलना, मगर वो यहाँ पे बोला गया कि नहीं बाप, अमेंड मतलब तेरे को तेरा व्यक्तिमत्व जो है एक प्रोफाउंड पर्सनैलिटी चेंज की बात करता है अल्कोहलिक्स एनोनिमस, एक आध्यात्मिक जागृति, एक पर्सनैलिटी चेंज। तू भले तेरे मुंह से कितना बन सॉरी बोल, लेकिन वो सॉरी की कोई कीमत नहीं है, तेरे को तेरे बर्ताव में लाना पड़ेगा। और ये सब चीजें यहाँ पे सुनने को तो अच्छी लग रही थी, लेकिन अमल में लाने को मैं तैयार नहीं था। मुझे एंड में फटके खा खा के मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसके लिए इस प्रोग्राम के ऊपर चलना पड़ा। मेरे पास कोई चॉइस नहीं बचा था, दुखी रहता था हमेशा, निराश रहता था हमेशा, असंतुष्ट था, चिड़चिड़ा था, बेचैन आत्मा, भटकती आत्मा, वो हिसाब से बन गया था। काम धंधा तो कुछ कर नहीं रहा था, सिर्फ दिन भर टाइम पास कैसे करने का, खाना का, पीने का, सोने का, टीवी देखने का, इसके अलावा कुछ था नहीं। जिंदगी तो जी रहा था लेकिन वो दिशा ही नहीं जिंदगी थी, और उसका एकमात्र यह था क्योंकि मैं हमेशा यही सोचता था कि मैं भारी और ये सब पागल हो गया। ये ने मुझे बोला कि भैया तुझे यहाँ पे एक उच्च शक्ति निकाल सकती है इस चीज में से, और मेरे स्पॉन्सर ने मुझे क्लियर कर बोला था कि मुर्तजा वो उच्च शक्ति तेरे अलावा होनी चाहिए, और तुझसे अलग होनी चाहिए, और तुझसे विपरीत होनी चाहिए। मैं आज तक खुद को भगवान समझ रहा था, करके तो इन कमरों में पहुंच गया, करके तो मेरी जिंदगी में इतनी धुलाई हो गई, और कितना खुद खुद की चलाऊंगा, और कितना रॉक बॉटम देखने का बाकी है दोस्तों। एंड में मेरे पास कोई चॉइस बचा नहीं था, मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था कि सिर्फ पायरिया इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे फेलोशिप में मालूम पड़ा फर्स्ट टाइम कि रूढ़ी भी उतनी इम्पोर्टेंट है।
रूढ़ी जिस तरह से मैं मेरे ग्रुप में वापरता हूँ, उसी तरह से रूढ़ी मैं मेरे परिवार में, मेरे फैमिली के साथ वापरता हूँ। मैं वो बंदा था जो हमेशा खुद की चलाता था हर चीज, किसी चीज में। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, याद है मेरा टीवी उड़ गया था और नवा टीवी लेने की नौबत आ गया था। टीवी खराब हो गया था और मैंने अपने मन ही मन में डिसाइड कर लिया था कि फलाना फलाना ब्रांड का टीवी उठा के लेके आऊंगा, सस्ते में आ जाएगा, सस्ते में काम हो जाएगा। और जब मैं मेरी वाइफ को बोला था कि ऐसा ऐसा है, मैं ये लेने का सोच रहा हूँ, उन्होंने फट करके एक चीज बोले कि एक बात बताओ, ये ब्रांड का तो मैंने कभी सुनी नहीं, लेकिन ये ब्रांड काफी माना जाता है, तो क्यों ना आप बोले। और तब कहीं ना कहीं धीरे में आया कि अरे साला, तो टीवी देखता ही कितना है, जो देखता है उसका सुनना, ग्रुप कॉन्शियस नाम की चीज, दूसरों का सुनना मेन था, तो लर्न टू लिसन एंड लिसन टू लर्न, वो खूबी मेरे अंदर थी ही नहीं। मैं हमेशा ए में आने के बाद भी काफी समय तक सिखाने को गया हूँ और उसके फटके किसी और को नहीं गिरे, मुझे ही गिरे। यहाँ पे ए ने बोला कि बाबा तुम्हारे अकेले के बस की बात नहीं है शराब से मुकाबला करना, यहाँ पे फेलोशिप दी हुई है, हम सब मिलके इससे मुकाबला कर सकते हैं, हम सब मिलके इससे दूर रह सकते हैं, तो अकेला लड़ने को मत जा। और यहाँ पे जो बोलते थे कि सरेंडर कर, शरणागत हो, शरणागत हो, मेरे पल्ले पड़ता ही नहीं था। एक दिन मैंने स्टोरी सुना था इन्हीं कमरों के अंदर, जहाँ पे एक बंदे ने एक उदाहरण दिया था एक जनरल का, कि वो बंदा लड़ाई हार रहा था, उसको दिख रहा था कि ये युद्ध में मेरी पराजय हो रही है, मेरे पास कुल 100 आदमी बचे हुए, सामने वाले के पास 1000 आदमी है, और शानपना इसी में है कि मैं मेरा हथियार डाल दू, मैं जनरल हूँ, मेरे को ठीक ठाक थर्ड बीट से रखेंगे ये लोग, और एक दिन मैं कभी ना कभी फ्यूचर में देख सकता हूँ, कम से कम जिंदा तो रहूंगा, और यहाँ पे मैं शरारत के साथ अकेले ही लड़ने को निकल पड़ा था। समझ में ही नहीं आ रहा था, लोग बोल रहे हैं यहाँ पे फेलोशिप है, हायर पावर क्या होता है, मुझसे एक बड़ी शक्ति और मेरे अलावा एक शक्ति, ये चीज मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रही थी, मेरे को कभी समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या है, कैरेक्टर किस चीज को बोलते है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्रोग्राम किस लिए लेना है। कैरेक्टर नाम की चीज और आध्यात्मिक तत्व, तत्व मुझे बताया गया था कि तत्व वो चीज है, यहाँ पे काफी लोगों ने उसको ट्राई किया हुआ है और उनके अनुभव में वो चीज ने काम किया हुआ है, तब जाके वो कहीं ना कहीं वो तत्व करके एक्सेप्ट हुए है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्रामाणिकपना, जो मेरे अंदर बिल्कुल नहीं था, इस फेलोशिप में आया था मैं मानने को तैयार नहीं था कि मैंने गड़बड़ की है। यहाँ पे लोग चीज ठीक से बोल रहे थे कि इन्वेंट्री ले, लोग बोल रहे थे कि मैंने मेरी इन्वेंट्री ली तो मेरे को ये दिखा, मेरे को क्लियर कट वहां पे अहंकार मेरा जिंदगी चला रहा है, मेरा स्पॉन्सर जो बोल रहा है वो सही है, मेरा अहंकार मेरी जिंदगी चला रहा था और मुझे इस चीज का आइडिया पन नहीं था, लेकिन मेरा वही अहंकार मुझे हकीकत में मेरी चौथी पायरी लेने से रोक रहा था, मेरा अहंकार मुझे ये मानने पर मजबूर कर रहा था कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं है, दूसरों लोग ने मेरे साथ गलती की है, दूसरों ने मेरे साथ मेरा बैंड बजाया है, दूसरों लोग ने मुझे हानि पहुंचाया है, लेकिन मेरा अहंकार मुझे देखने ही नहीं देता था कि भैया दूसरे ने जो किया तो किया, तू उसके ऊपर हकदल है, तू सिर्फ तेरे ऊपर, तेरे विचार के ऊपर, तेरे एक्शन के ऊपर तेरा नियंत्रण है, तूने क्या किया है कि सामने वाला ने इस प्रति से रिएक्ट किया, तूने कभी देखा है क्या, वो देखने को तैयार नहीं था दोस्तों। और जिस दिन मैंने हकीकत में पहली बार लिखनापन चालू किया, उसमें से जो दो सबसे डेंजरस चीज थी जो बारंबार मुझे शराब के प्रति लेके जा रही थी, वो बोलने को तैयार नहीं था कि मेरा स्पॉन्सर मेरे बारे में क्या सोचेगा। यहाँ पे मुझे बार बार सुनने को मिल रहा था कि जब तक नम्रता नहीं होगी शराब रुकना नामुमकिन है, भले तो एक आधे टाइम शराब से तो दूर रह लेगा, लेकिन ये जिस जिंदगी की बात कर रहा है, तुझे वो चीज नहीं मिलने वाली है, एक सुखी समाधानी जीवन जो ए जिसकी बात करता है। यहाँ पे जो फाउंडेशन है पूरे प्रोग्राम का, क्योंकि पूरा प्रोग्राम मेरा, जब मैंने एक्चुअली इसके ऊपर काम करना चालू किया तब एक चीज ध्यान में आई कि पूरा मेरा मन के विपरीत है, ये पूरा प्रोग्राम का एक ही लक्ष्य है और वो है ईगो डिफ्लेशन। मैं जो गर्म हवा भर के आया वो फुग्गे के अंदर, वो हवा को बाहर निकालना, और ये प्रोग्राम का पूरा जो जड़ है वो सिर्फ नम्रता है। अगर नम्रता नहीं है जब तक मेरे अंदर, मैं ये प्रोग्राम के ऊपर काम ही नहीं कर सकता, और नम्रता के लिए मुझे मेरी जिंदगी की कहानी
किसी एक व्यक्ति को ईमानदारी से शेयर करनी ही होगी। मुझे कहीं ना कहीं वो साहस लाना पड़ेगा। मैं डर से भरा हुआ था जब फेलोशिप में आया था। करेज, साहस, जिस चीज के लिए प्रार्थना कर रहा था रोज, उस चीज का मतलब क्या है वो ही मुझे समझा नहीं था। मुझे यहाँ पे एक दिन लिटरेचर में पढ़ने में आया है कि भैया करेज मतलब ये नहीं है कि तुझे डर नहीं लग रहा है। करेज, साहस का ये मतलब है कि डर डर से भरा हुआ रहते भी फिर भी जो चीज सही है उसके ऊपर एक्शन ले रहा है तू। करेज इज डूइंग द राइट थिंग इन स्पाइट ऑफ फियर। डर कभी मेरा पूरी तरह से जाने नहीं वाला है, लेकिन 100% ये देखा है कि काफी सारे जो फालतू के डर थे आज नहीं है। अहंकार पूरी तरह से कभी नहीं जाने वाला है। अहंकार वो प्राणी है जो बार बार उसी का सिर उठाते रहता है। लेकिन अगर मुझे इस प्रोग्राम में एक चीज अगर दिया है तो वो अवेयरनेस है कि आज कहीं ना कहीं भान में रहता हूँ। आज कहीं ना कहीं इस चीज का एहसास है कि भैया मुझे सामने वाले को थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं है, उसको ठेस पहुंचाने के लिए मेरी जो जबान है वो ही काफी है। कई बार ऐसा होता था कि मुंह से कुछ अल्फाज निकल जाते थे और फिर दुख होता था। और यहाँ पे मुझे बोला गया थिंक थिंक थिंक। आज कोशिश करता हूँ दोस्तों ये हमेशा याद रखने की, मैं एक शराबी हूँ। आज कहीं ना कहीं स्वीकार किया है। आज मानता हूँ कि मेरे पास सोल्यूशन नहीं है। आज मानता हूँ कि मुझे मदद की जरूरत है। आज स्पॉन्सर है, आज उसकी सुनता हूँ। जो बेसिक तीन चीज यहाँ पे बोला गया है कि ऑनेस्टी, ओपन माइंड और विलिंगनेस, खुला मन, ईमानदारी और तैयारी, मेरे टाइम पे बिल्कुल नहीं थी। आज कोशिश करता हूँ उसके ऊपर अमल करूँ, क्योंकि इसी प्रोग्राम में मेरे को बोला गया था कि ये तीन चीज सिर्फ जरूरत नहीं है लेकिन ये अनिवार्य है। जब तक ये नहीं रहेंगे तेरे जिंदगी के अंदर तो इस प्रोग्राम पे आगे नहीं बढ़ सकेगा। मुझे समझ में नहीं आता था कि मुझे जाके लोगों को क्यों माफी मांगनी है। मुझे यहाँ पे समझाया गया था इन कमरों के अंदर कि भैया तुझे तेरे साइड की साफ सफाई करनी है, सामने वाले की घर की नहीं। सामने वाले ने जो किया वो किया, लेकिन तू यहाँ पे जवाबदार है। तुझे तेरा रोल देखना है। और मेरा अहंकार वो चीज है जो मुझे मेरी खुद की गलती मान्य करने ही नहीं देता। कई साल बर्बाद कर दिए दोस्तों इस चक्कर में। और कहीं ना कहीं जो मेरा जो बेसिक नेचर है कि कंट्रोल करना लोगों को, एक दिन मेरे को एहसास हुआ था कि मैं शराब से दूर था। 5-6 महीने हो चुके थे और मैंने मेरी मम्मी को किसी से बात करते हुए देखा था। और मेरे माँ के मुंह से ये शब्द निकले हुए थे कि मैं जब शराब पीता था तब ठीक था, अभी तो खुद की चालाने को देख रहा है, उसके उसके हिसाब से ही सब कुछ होना चाहिए। वो कहीं ना कहीं मेरे जिंदगी का पहला इमोशनल रॉक बॉटम जिसको बोलते हैं कि मैं बस कुछ तो गलत कर रहा हूँ। खुद की चला चला के तो यहाँ पे पहुंच गया हूँ, अब कम से कम अब तो सुनने की तैयारी रख। क्योंकि वो एक चीज थी जो मेरे अंदर थी ही नहीं कभी। हमेशा नड़ने को देखता था, हमेशा मैं कैसा सही हूँ वो ही सारा जस्टिफाई करने की कोशिश करता था। और नतीजा कुछ और नहीं होता था दोस्तों, फटके नहीं खाता था, कोई और नहीं खाता था। खुन्नस पालता था, ये उम्मीद रखती कि जहर मैं पीऊंगा और सामने वाला मरेगा। वो तो कभी मरा नहीं, लेकिन मेरी वाट लग जाती थी। दोस्तों आज मैंने कोशिश किया इस चीज के ऊपर बात करने की। अगर इसमें से कुछ भी सही है तो उसका क्रेडिट इस फेलोशिप को जाता है, और अगर कुछ गलती से कुछ गलत बोल दिया है तो उसके लिए मैं अकेला जिम्मेदार हूँ। शुक्रिया दोस्तों, आपने मेरा सुन के लिया, मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू।